मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और मैंने आज का व्लॉग जो है वो सुबह 9:30 बजे से स्टार्ट किया है। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने वीडियो को अपलोड पे लगाया था, उसको शेड्यूल किया है 11 बजे के लिए, तो वो भी अपलोड हो जाएगा। सोचा कि एक नया व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, आप लोगों से मिलना ही हो जाता है व्लॉग के थ्रू। तो अभी एक गिलास पानी ले लिया है क्योंकि काफ़ी देर से लगी हूँ डस्टिंग करने के लिए। और वीडियो में ऐसा लगता है ना कि बस 5 मिनट में सारा काम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। वीडियो में क्लिप कट कट करके डालनी पड़ती है, लेकिन अभी मुझे काफ़ी देर हो चुकी है। और आज मैंने नीचे की डस्टिंग की है, नीचे के फ्लोर की, क्योंकि ऊपर के फ्लोर की ना मैंने कल की थी। एक मिनट मैं बैठ जाती हूँ, बैठ के आप लोगों से मैं बात करती हूँ। और घर जब एकदम नीट एंड क्लीन हो जाता है कितना अच्छा लगता है ना। हालांकि अभी झाड़ू पोछा नहीं लगा है, वो मेरी हाउस हेल्प आएंगी 11 बजे, तो वो तब लगेगा। लेकिन अभी फिलहाल डस्टिंग होके मेरा घर हो चुका है एकदम साफ सुथरा, तो बहुत अच्छा लगता है। और पता है हम लोग जहाँ रह रहे हैं, हमारे घर के दोनों तरफ रोड है। और आजकल क्या हुआ है हमारी कॉलोनी में के सिविल लाइंस डलने वाली है, जिसकी वजह से सारी रोड दोनों तरफ की खोदी हुई है, जिसकी वजह से इतनी मिट्टी आ जाती है ना घर में, धूल आती है, मिट्टी भी आती है और साथ में धूल भी आ जाती है। तो इसलिए ना डेली डेली डस्टिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और मैं ये कोशिश करती हूँ कि मॉर्निंग में शावर लेने से पहले मैं डस्टिंग वगैरह के काम कर दूँ, फिर उसके बाद फिर शावर लेके आराम से पूजा वूजा करके फिर मैं नाश्ता करती हूँ। तो अभी डस्टिंग तो हो चुकी है, ऊपर के फ्लोर की मैंने कल की थी, और कल देखो मैंने अपना नेल पेंट भी चेंज किया था। अच्छा लग रहा है ना ये वाला शेड, मुझे इस तरीके के शेड्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। और आपने बहुत कम देखा होगा मुझे रेड या मेहरून लगाते हुए, मुझे इसी तरीके के शेड्स अच्छे लगते हैं, चाहे वो पेस्टल शेड्स हो, और नियॉन शेड्स भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, ब्राइट ब्राइट वाले। तो चलिए, अभी बहुत सारी बातचीत हो गई, आप लोगों को नेल पेंट भी दिखा दिया, तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में, उसके बाद फिर ब्लॉग को रीस्टार्ट करते हैं। अभी टाइम हो रहा है 10:30 बजे का, और शार तो मैंने ले लिया था, पूजा भी करके आ गई हूँ, बिंदी लगा रही हूँ। तो आज मैंने ये लिक्विड वाली बिंदी लगा रही हूँ, और जो कि ना लगी नहीं रही है, क्योंकि ना ये काफी दिनों बाद मैंने बॉक्स खोला और ये हल्की हल्की सूख गई है। खैर फिलहाल इसमें से ग्रीन कलर मैंने लगाया है, ये वाली जो बिंदी है ना, कुमकुम लिक्विड कुमकुम वाली, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो स्टिकर वाली बिंदी तो फिर भी स्किन पे ना थोड़ी सी ठीक नहीं रहती है, लेकिन ये वाली बिंदियाँ काफ़ी अच्छी रहती हैं। और ये मैंने काफ़ी दिन पहले लिया था ये वाला बॉक्स, तो ये ना शिल्पा का है, आप लोग भी अगर पसंद करते हो तो ले सकते हो, इसलिए मैंने बॉक्स दिखा दिया, क्योंकि कई बार कमेंट भी आ जाता है। तो ये वाली बिंदियाँ मेरी सूख गई हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों बाद इसको निकाला यूज़ करने के लिए। तो फिलहाल इसमें से ग्रीन वाली ठीक थी, तो वो मैंने लगा ली है, और हो गई हूँ मैं रेडी। आज मैंने ना वही वाला सूट पहना है, ग्रीन वाला, कलर कितना प्यारा लग रहा है ना कैमरे में, तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये वाले सूट का कलर, एकदम ब्राइट ब्राइट। तो ये देखो, ये वाला सूट मैंने आज पहन लिया है और अच्छा लग रहा है। और पता है क्या, मैं तो सोच रही थी कि ये रेयॉन का फैब्रिक है, और क्या कहते हैं, धोने के बाद ना ये थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, लेकिन यार ये तो और ढीला हो चुका है। ये देखो, अब एकदम से पतली तो मैं हो नहीं गई हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे ये फैब्रिक थोड़ा सा लूज लूज हो गया है, नहीं तो जिस दिन मैंने इसको ट्राई किया था उस दिन ये फिटिंग में आ रहा था। खैर चलो अच्छा है, गर्मी है, मैं वैसे भी ढीले ही कुर्ते वेयर करती हूँ। तो रेडी हो चुकी हूँ, अभी किचन में जाऊंगी, और छोले मैंने ना नहाने जाने से पहले बॉईल करने रख दिए थे, क्योंकि आज दोपहर में बनने वाले हैं छोले चावल। और बस रेडी शेडी होके सोचा आप लोगों से बात कर लेती हूँ, व्लॉग को दोबारा से कंटिन्यू कर लेती हूँ। और आज अच्छा लग रहा है मुझे एकदम अच्छे से रेडी होके व्लॉग बनाना। दोनों बच्चे भी शार लेके इधर बैठे हुए हैं। गुड मॉर्निंग नोनो। तो जी कल तो स्कूल है, क्योंकि आज है संडे, और संडे में आज थोड़ा सा लेट लेट हम लोग उठे, लेकिन कल से फिर से बच्चों के वही रूटीन स्टार्ट है।
कपड़ों की मैंने तय बना दी है और बच्चों के कपड़े बच्चों के वार्डरोब में मैंने रख दिए हैं। वैसे आज थोड़ी सी एमी ने भी अपनी वार्डरोब ना उथल पुथल की हुई है, तो इसको देखती हूँ शाम में ठीक करूंगी। और इधर मैंने लगा दिए हैं नोनो के कपड़े, तो नोनो की तो खैर मैं टी शर्ट्स की तय लगा के नहीं रखती हूँ, जो उसके पहनने वाली है वो मैं सब यहाँ हैंगर में लगा के रखती हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है 12:30 बजे का और मैं आ गई हूँ किचन में लंच प्रिपेयर करने के लिए। सोचा सबसे पहले आप लोग को बाहर का थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ। अभी देखिए टाइम 12:30 बजे का हो रहा है और धूप इतनी ज़्यादा तेज़ हो जाती है, इनफैक्ट 11:30 बजे से ही बहुत तेज़ धूप होने लगती है। तो बस अभी आप लोग को बाहर का व्यू दिखाने के बाद चलूँगी मैं किचन में और प्रिपरेशन करूँगी लंच बनाने की। है 12:30 बजे का और मैं किचन में आ गई हूँ लंच तैयार करने के लिए। तो छोले तो मेरे बॉईल मैंने काफी देर पहले करके रख लिए थे और इनको मैंने हल्का हल्का मैशर से मैश कर दिया है ताकि ग्रेवी जो है ना वो गाढ़ी गाढ़ी सी मतलब अच्छी लगती है। छोलों को हल्का सा मैश कर लो तो काफी अच्छे लगते हैं। और यहाँ मैंने चॉपर में प्याज टमाटर और हरी मिर्च को भी अच्छे से चॉप कर लिया है। इनको तड़का लगा देते हैं क्योंकि आज तीनों ने ही ना हम तीनों ने आशु मम्मी तो घर गए हुए हैं तो मैं और बच्ची थे, तो आज हमने बहुत ही हल्का फुल्का सा ब्रेकफास्ट किया है। स्प्राउट का सैलड बनाया था, आप लोग के साथ उसकी रेसिपी शेयर नहीं की, किसी दिन किसी व्लॉग में जरूर शेयर करूँ, बहुत अच्छा रहता है, हेल्दी है और काफी लाइट है। तो अभी बच्चों को लग गई है भूख और वैसे भी सफेद वाले छोले दोनों के ही फेवरेट है, तो अभी फटाफट से लंच तैयार कर लेते हैं क्योंकि मुझे भी भूख लग रही है। तो यहाँ मैंने छोलों को तड़का लगा दिया है, तो मैंने ऑयल के गर्म होते ही उसमें जीरा मेथी और थोड़ी सी हींग डाल के उसको अच्छे से भून लिया था और उसके भूनते ही मैंने इसमें टमाटर प्याज और हरी मिर्च जो मैंने चॉप करके रखी थी ना वो मैंने इसमें डाल दी। ये भी अच्छे से भून चुके हैं तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सूखे मसाले जैसे कि रंग वाली लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा मैंने इसमें आमचूर पाउडर डाला है और अभी मैंने इसमें ऐड किया है मीट का मसाला MDH का जो आता है, क्योंकि उससे फ्लेवर ना बहुत अच्छा आ जाता है। चाहे आप राजमा बना रहे हो, छोले बना रहे हो या पनीर की कोई भी सब्जी बना रहे हो तो उसमें अगर ये एक्स्ट्रा मसाला डल जाए ना MDH का तो बहुत अच्छा लगता है। तो मसाले अच्छे से भूनते ही मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं छोले जिनको मैंने बॉईल किया था, और छोले बॉईल करते वक्त मैंने इसमें नमक और हल्दी डाल दिया था। तो अभी जस्ट छोले ऐड करने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया थोड़ी सी कसूरी मेथी क्योंकि इससे छोलों का फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा आएगा। अब बस सिम आँच पर इसको ढक करके थोड़ी देर पका लेते हैं। तो बस अभी यहाँ छोले मैंने पकने के लिए रख दिए हैं और साथ ही साथ मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ चावल छोंकने की, तो उसके लिए मैंने वही वाला कुकर लिया है जिसमें मैंने छोले बॉईल किए थे, बस उसको पानी से क्लीन करके अब मैं उसमें बना रही हूँ चावल। तो सबसे पहले मैं यहाँ डाल रही हूँ थोड़ा सा देसी घी, उसमें थोड़ा सा जीरा डालूंगी और नमक डालूंगी और चावल डालने के बाद में फिर मैं उसमें हल्दी ज़रूर डालती हूँ। तो इसी तरीके से मैं अपने डेली वाले चावल बनाती हूँ, कह लीजिए आप छोंकती हूँ। तो बस अभी यहाँ मैं चावल रख दूंगी और फटाफट से एक ही सीटी में हमारे चावल बनके हो जाएंगे रेडी, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे लंच। तो इधर रेडी हो रही है मेरी सब्जी, तो इसको मैंने तड़का लगा दिया, ये धीमी धीमी आंच पे थोड़ी देर में बनके रेडी हो जाएगी ये देखो। और उधर मैंने चढ़ा दिए हैं चावल, चावल भी हमारे बनके रेडी हो जाएंगे। और अभी मैं यहाँ दही को फेंट रही हूँ, इसमें थोड़ा सा मैं डालने वाली हूँ पानी क्योंकि बच्चों को ना गाढ़ी गाढ़ी दही पसंद नहीं है, और गर्मी में ना दही खाने के साथ में ले लूँ ना तो काफ़ी अच्छा लगता है, बिना दही के खाना बिल्कुल भी हमें पसंद नहीं है। तो सर्दी में भी बहुत कम ऐसा होता है कि मैं दही ना लूँ दिन के टाइम, नहीं तो मुझे दही तो चाहिए ही चाहिए। और मेरी तरह ना दोनों बच्चे भी दही के बिना खाना खाना पसंद नहीं करते हैं, हमारे आंशु बहुत परहेज करते हैं लेकिन हम लोग नहीं, मुझे तो दही चाहिए होता है खाने के साथ और बच्चों को भी। तो अभी मैंने इसमें डाल दिया है भुना हुआ जीरा और साथ में थोड़ा सा चाट मसाला, इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स और बस हमारा लंच जो है वो भी अभी 5-10 मिनट में बनके हो जाएगा रेडी। और दोनों बच्चे ऊपर रूम में है, मफिन भी वहीं पर है, तो दही भी मैंने रेडी कर ली है, इसको ढक देती हूँ।
कैसे बने छोले? यमी दोनों अच्छे बने हैं ना? तो भी हम तीनों बैठ के लंच कर रहे हैं और मफिन यहाँ नीचे खड़ा हुआ, उसको भी छोले चावल चाहिए, जिद कर रहा है, तो उसको मैंने उसको खाना दे दिया है। हम लोग अपना खाना खा रहे हैं और छोले सच में बहुत ज्यादा टेस्टी बने। बात तो करने दो मम्मा को, बात तो करने दो। एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? ये जो मेरा वीडियो है ना, ये मैंने स्टार्ट किया था संडे में, लेकिन उसको मैंने ना मंडे में फिर कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि कल मंडे था और कल मैंने आप लोग के साथ एक बहुत ही प्यारा सा अपने घर के मंदिर का वीडियो शेयर किया था, जो कि आपको बहुत पसंद आया है। तो बहुत दिनों से मेरा ये वीडियो पेंडिंग था मंदिर टूर वाला, तो वो कल मैंने कंप्लीट करके अपलोड किया और आज मैं इस व्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ, यानी कि कंटिन्यू कर रही हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30, सारे कामों से फ्री हो चुकी हूँ और शार मैंने काफी देर पहले ले लिया था, पूजा भी कर ली थी और अभी मैं लेके बैठी हूँ अपना ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में पता है क्या खा रही हूँ? ब्रेकफास्ट में मैं खा रही हूँ सूखे आलू, जो व्रत वाले आलू होते हैं ना, क्योंकि कल मंडे था, मंडे में मेरा फास्ट होता है, तो रात में मैंने अपने लिए आलू बनाए थे मूंगफली डाल के। सूखे आलू बहुत टेस्टी लगते हैं यार मेरे को ना। कई बार तो ऐसा होता है कि बिना व्रत के भी मैं ये वाले आलू अपने लिए बनाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं। और मोस्टली जितने भी मेरे व्रत होते हैं, मीठे व्रत को छोड़ के, उनमें मैं यही वाले आलू खाती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं। कुट्टू का आटा मुझे उतना पसंद नहीं है। और साथ में मैंने ली है दही, क्योंकि ये आलू थोड़े से बच गए थे और मैंने थोड़े से एक्स्ट्रा भी बनाए थे ताकि मैं मॉर्निंग में खा लूं। और किसी को इतना ज्यादा पसंद नहीं है, ना बच्चों को ना आशु को, लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं। तो और ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, आप लोगों से बातें कर रही हूँ, तो कुछ ऐसा ही होता है मेरा दिन ना। दिन की शुरुआत आप बोल सकते हो कि बच्चे स्कूल चले जाते हैं, आशु ऑफिस चले जाते हैं, अकेले अकेले ब्रेकफास्ट करना, लंच करना। लंच के टाइम तो खैर बच्चे आ जाते हैं, तो सुबह का टाइम तो मेरा ऐसा ही रहता है। बस मफिन होता है मेरे साथ, अभी आने वाला है, बल्कि उसको पता नहीं चला कि मम्मा ब्रेकफास्ट कर रही है। तो अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर इस व्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ, खैर मैं बोल नहीं रही हूँ अभी, तो मैं अपने किसी भी व्लॉग में ये बोल ही नहीं रही हूँ कि मैं कंटिन्यू करूंगी अपनी व्लॉगिंग, क्योंकि जब जब मैंने अपने वीडियोज में ये बोला है ना कि मेरे व्लॉग्स कंटिन्यू आएंगे, पता नहीं यार कैसी नजर लगती है। क्या होता है कि मैं व्लॉग्स, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मेरे व्लॉग्स मैं रेगुलर डाल ही नहीं पाती, तो अब ये तो मैंने कहना छोड़ ही दिया है, बस कर रही हूँ और व्लॉगिंग मैंने स्टार्ट कर दी है, बस व्लॉग्स बना रही हूँ, बोलूंगी कुछ नहीं। तो चलिए अभी ब्रेकफास्ट करते हैं, तो आप सब भी आ जाओ और खा लो, और मुझे बताना जरूर कमेंट करके कि किस किस को ये सूखे वाले आलू पसंद है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत ज्यादा। कहा चाहिए कुछ चाहिए? इधर लो दोनों। एमी कहा है? बमक गया यार प्लेट, तुम झूठी मत कर देना, ठीक है? गंदू, ओ गंदू, ये गंदू है मेरा, गंदू बच्चा है ये। देखो मैं सबको दिखा रही हूँ कि मिट्टू कितना गंदा है, इधर दिखाओ, इधर आओ। और ये बहुत बड़ा चप्पल चोर है, अगर इसको दिखते हैं ना स्लीपर्स, तो लेके इतनी तेज भागता है कि पूछो मत आप। तो भी बाहर चला गया है ना, 11 बजे का टाइम हो रहा है और देखो 11 बजे ही कितनी धूप हो चुकी है और मेरे फूल कितने प्यारे खिल रहे हैं। सोचा आप लोग को ना फूल भी दिखाती हूँ अपने, ये देखो, और बहुत अच्छा लगता है फूलों को देख के। तो मौसम दिखा रही हूँ आज आप लोगों को, और कपड़ों का स्टैंड भी बाहर धूप में कर देते हैं। थोड़े बहुत कपड़े मैंने हाथ से धुले थे तो वो मैंने डाल दिए हैं स्टैंड पे, आज मशीन नहीं लगाई है। अभी 11 बजे का टाइम हो रहा है और मैं बस फ्री हो चुकी हूँ बिल्कुल, और घर में साफ सफाई भी हो चुकी है, क्योंकि मेरी हाउस हेल्प आई थी, उन्होंने झाड़ू पोछा भी लगा दिया है। देखिए घर एकदम नीट एंड क्लीन, और यहाँ सो रहा है मफिन, और ये टाइम जो होता है ना उसका नैप लेने का होता है,
इस समय मजे से सोया होता है क्योंकि अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही फ्लोर क्लीन हुआ है, पोछा वगैरह लगा है, तो इस समय टाइल्स ना बिल्कुल ठंडी ठंडी रहती है। तो ये इस तरीके से ना यहीं सोता है, अपने बेड में नहीं सोता, इसको बहुत अच्छा लगता है ठंडे ठंडे में। तो मैं बैठ जाती हूँ, बैठ के आप लोगों से बात करती हूँ। और पता है अभी एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, बस मेरा फोन बच गया। थोड़ी देर पहले ना मेरा फोन इतनी तेज गिरा है मेरे हाथ से और सीढ़ी के ऊपर गिरा है, तो काफी सारी सीढ़ी ना, 3-4 सीढ़ी मेरा फोन उछलता हुआ गया। वो तो शुक्र है, नहीं तो मैं तो सोच रही थी कि आज तो मेरे फोन का काम हो गया, नया फोन लेना पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, बीच बीच में कभी कभार हैंग हो जाता है। तो मैं टाल रही हूँ, जब तक ठीक है चल रहा है तो नहीं ले रही हूँ, लेकिन आज तो मुझे लगा था कि भाई इसका आखिरी समय जो है ना वो आ गया, लेकिन ये चल रहा है ठीक ठाक से, बच गया। बस जो इसके ऊपर का जो स्क्रीन गार्ड होता है ना, जो मिरर हम लोग लगवाते हैं, वो टूटा है, तो वो चेंज कराना पड़ेगा। और अभी टाइम हो चुका है 11 बजे का, ये वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है, तो अभी बस थोड़ी देर बैठूंगी, इस वीडियो को एडिट करूंगी, अपलोड करूंगी, और उसके बाद बस टाइम हो जाएगा बच्चों को लेने जाने का। लंच का मुझे काम नहीं है, क्योंकि आज सुबह में ना मैंने इनके टिफिन के लिए बनाए थे दाल चावल, वो मैंने कैसरोल में रखे हैं, तो हम लोग वही खाएंगे। होप आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर थोड़ा भी अच्छा लगा इसको एक लाइक जरूर देना, और यार प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करना। आजकल कमेंट्स थोड़े से कम कर रहे हो आप, तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करना और लाइक करना, शेयर करना। मैं आप लोगों से मिलने आऊंगी बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।